सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों व झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों का पक्का आवास बन सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है, बहराइच जनपद के ब्लॉक पखरपुर के बोहरवा गांव निवासी रमेश कुमार सहित 44 परिवारों का पक्का आवास न बनने से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फूस का मकान है और आंधी बाढ़ में जो है मकान गिर जाते हैं, बाढ़ पीड़ित एरिया है, बाढ़ में भी दिक्कत होती है। बाढ़ में हम लोग बंधा पर जाते हैं भाग करके जब पानी हो जाता है, और प्रधान हम लोगों को आवास दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? 10,000-20,000 पहले एडवांस मांगते हैं, हम लोग देने योग्य नहीं हैं। आपके यहाँ कितने परिवार हैं जिनके यहाँ आवास नहीं है? 120 परिवार हैं गांव के अंदर। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ बड़ी समस्या है, बाढ़ आती है, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, हमको कोई आवास नहीं मिला है अभी तक। सर, हमें आवास नहीं मिली इसलिए घर जल जाते हैं, बाढ़ में हम लोग बंधे पे रहते हैं, आंधी बाढ़ में घर गिर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत अधिक समस्या है। हम लोग प्रधान के पास गए, बहुत सारी चोरी किया कहे भी, लेकिन उसने कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि हम लोगों के पास 10,000 रुपया नहीं था जो एडवांस दे तो हम लोगों को कॉलोनी दे। मैं और मेरा समुदाय चाहता है इन सभी परिवारों का पक्का आवास बने ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सकें। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग पखरपुर ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर 94-54-46-48-13 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं ताकि इन सभी परिवारों का पक्का आवास बन सके। मैं घनश्याम, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से, इंडियन हार्ट के लिए।